ये चैप्टर थोड़ा सा सिंपल है काफी। अगर चैप्टर की बात करें तो जनरली देखा गया है इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है, बता रहा हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल जो आता है इसके ऊपर जनरली सिंपल सिंपल भी होता है और ग्राफिकल भी होता है कई बार। तो अगर आप ग्राफिकल न्यूमेरिकल एक बार देख लेना कि वर्क कैसे निकालते हैं ग्राफ की हेल्प से, ये क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलर होता है। ठीक है, ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे वर्क निकालो। और जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़े सिंपल टाइप के होते हैं। सिंपल कैसे, कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, तो अब बोलेंगे कि बताओ वेलोसिटी को हमने दो गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के डैश हाफ एम और वी की जगह पर टू वी का स्क्वायर। फिर न्यूमेरिकल जो जनरली देखा गया है इस रिलेशन पे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के, जहां पी का मतलब होता है मोमेंटम, के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या जो भी कहीं पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से फंस जाते हैं। इस चैप्टर से देखा गया अक्सर क्वेश्चन किस पे आता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पे आता है क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई पंगा वाली बात नहीं है। तो न्यूमेरिकल में अगर आपके पास समय है तो टाइम वेस्ट कर लेना, क्योंकि यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो और कुछ कर नहीं सकते, मतलब न्यूमेरिकल इसमें सिंपल आते हैं। मतलब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करने के लिए आपको हर टॉपिक के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर हर टॉपिक के आपको फॉर्मूला याद है और टेक्निक याद है, फॉर्मूला एंड टेक्निक, तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को इजिली मार दोगे। मेरी बात नहीं समझे? अगर हर चैप्टर के फॉर्मूला, इस चैप्टर में फॉर्मूला और टेक्निक याद है कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप खा जाओगे अच्छे से। अब न्यूमेरिकल खाने के बाद इस चैप्टर से बताता हूँ डेरिवेशन कैसे कैसे आते हैं। तो इस चैप्टर से डेरिवेशन क्या देखा गया, समझा रहा हूँ मैं आपको। इस चैप्टर से जो ज्यादातर डेरिवेशन देखा गया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है कि एनर्जी कंजर्व्ड है करके दिखाओ, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम इक्वल होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और इस चैप्टर के अंदर जो बहुत ही फेमस होता है, फेमस इसको हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बहुत बार ही पूछा गया है, वो कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन इन वन डायमेंशन। मैं आपको कुछ डेरिवेशन लिख के दे रहा हूं आपको, इनमें से आपको एक पक्का दिखाई देगा। कोलिजन इन वन डायमेंशन में टॉपिक आता है कि प्रूफ करो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो वाला क्वेश्चन। तो एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ये टॉपिक, और एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब मैं इस बात की बता रहा हूं आपको, टीचर खाना खाना भूल जाएगा लेकिन इनमें से एक देना नहीं भूलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर सब कुछ को अपने ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन आने का चांस है? तो ये क्वेश्चन नाइन्थ में पहले आ चुका है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नाइन्थ में ऑलरेडी आ रखा है। तो ये ना ऐसे होता है कि हर पांच साल के एक पेपर में दिखाई देगा। ये वाले का क्या है, हर पांच साल में तीन बार दिखाई देगा, और ये वाला हर पांच साल में चार बार दिखाई देगा। तो आप मतलब मैं इस कहानी से सिखाना चाहता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसके भी दो रूप है, कॉन्स्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। और जब इन तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, टीचर थोड़ा हटके सोचेगा कि ट्यूशन वाले ने बताया इनको, ट्यूशन वाले ने बोला है कि इन तीनों में से करके जाना, तो वो कभी कभी मजे लेने के लिए स्प्रिंग की एनर्जी देता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्या देता है वो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। और जब ये सब हो जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल बता दिया मैंने आपको, डेरिवेशन बता दिया मैंने आपको जो मोस्ट प्रोबेबल है। अब एक टॉपिक है कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कौन सा वाला पार्ट ज्यादा पूछते हैं कि कहां पर वर्क जीरो होगा, बताओ भैया वर्क कहां पर जीरो होगा? कुली के केस में वर्क जीरो होता है, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क जीरो होता है, पेंडुलम के केस में वर्क जीरो होता है। तो आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्क कहां पर जीरो होता है, तो किस किस केस में वर्क डन जीरो होता है, ये वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं तो हर ऐसे बोलूंगा, अगर जो बच्चा न्यूमेरिकल में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, उसे पता है मेरे से न्यूमेरिकल होगी नहीं, ठीक है, कोई जादू मंत्र कर देगा मेरे ऊपर, मैं मंदिर में कुछ भी चढ़ा लूं मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होगा, तो वो दो बातों को ध्यान देंगे, ये क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस एसएल अरोरा,
ऐसे लरोरा के लास्ट में जाओगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे जिसपे दिल्ली हिमाचल लिखा होगा, वो कर लो और तुम्हें फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप यकीन, हाँ पास होने से क्या बोल दिया, अरे कह रहा गलती से सच्चाई निकल गई, अरे अरे अच्छा अच्छा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, नोट कर लो।